अस्सलाम वालेकुम, फूड इज़ रेडी में एक नई रेसिपी चिकन मखनी के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इससे पहले कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं चिकन मखनी के इंग्रेडिएंट्स की तरफ। चिकन मखनी बनाने के लिए हमें बोनलेस आधा किलो चिकन चाहिए, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट, 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा जिसे मैंने फ्राई करने के बाद भूनने के बाद पीस लिया है, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, 1/2 टीस्पून इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, 1/4 कप जो है वो दही चाहिए, 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिन्हें फाइन चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून जो है वो 1 टीस्पून हमें इसमें नमक चाहिए और 2 टेबल स्पून मक्खन। इसके अलावा इसमें आखिर में हम क्रीम भी डालेंगे। इस तरफ हांडी में 1/4 कप ऑयल गरम हो रहा है जिसमें ये मैं प्याज डाल दूंगी और इसको लाइट से इसको फ्राई करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा गोल्डन कलर नहीं देना, दरमियानी आंच पे इसको फ्राई करना है क्योंकि मिट्टी की हांडी में आंच जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी चाहिए। जैसे ही ये फ्राई होगी तो इसमें मैं लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी। प्याज इसमें बहुत हल्की सी जो है वो फ्राई हो चुकी है, इसको हमें ब्राउन कलर नहीं करना। अब यहाँ इस स्टेज पर मैं इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी और इसे भी अच्छी तरह से भून लूँगी। 2-3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम चिकन डाल देंगे। प्याज और लहसुन अदरक बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो चुके हैं, अब ये मैं सारा चिकन इसमें डाल दूंगी। और इस चिकन को थोड़ी देर के लिए इसमें फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो पिंक से वाइट हो जाए, तो फिर मैं इसमें बाकी सारे मसाले ऐड कर दूँगी। चिकन जो है वो पिंक से बिल्कुल वाइट हो चुका है, अब इसमें मैं ये सारे मसाले डालूंगी। सबसे पहले नमक, कुटी मिर्च, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और टमाटर। इसके साथ मैं आप इसको अच्छी तरह से भूनूंगी कि टमाटर इसमें बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर के साथ चिकन को पके हुए 10-15 मिनट हो गए हैं जो मैंने बहुत हल्की आंच पे इसको पकाया है। टमाटर इसमें काफ़ी हद तक मिक्स हो चुके हैं, अब इसमें मैं दही डालूंगी 3 टेबल स्पून। इसको दही के साथ पकने देंगे, इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, दही और टमाटर के पानी में ही ये चिकन गल जाएगा। अब मैं इसको ढक देती हूँ। इसमें दही और पानी, टमाटर का जो पानी है वो बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब सबसे आखिर में इसमें ज़ीरा भुना हुआ, पिसा हुआ गरम मसाला और ये 2-3 हरी मिर्चें जिन्हें दरमियान से इस तरह से काट लिए ये डालेंगे और 2 टेबल स्पून मक्खन। इसे डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए मैं दम पर रखूंगी और फिर आखिर में हम इसमें क्रीम डालेंगे। अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। थोड़ी देर दम पर रखने के बाद अब आखिर में हम इसमें 3 टेबल स्पून क्रीम डालेंगे। 3 टेबल स्पून इसमें मैंने क्रीम डाली है। क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा देर पकाना नहीं है और ना ही आँच जो है वो तेज़ करनी है, बस इसको 2 मिनट दम पे रख के मैं इसका चूल्हा बंद कर दूंगी। चिकन मखनी बिल्कुल तैयार है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।